तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट में आप देख रहे होंगे कि ये मैंने कब बनाया, तो ये मेरा एक सर्वाइवल वर्ल्ड है जो मैंने बनाया है। और आज से हम एक मतलब एक नई सीरीज़ करेंगे, आप कुछ भी कह सकते हो। तो आज हम माइनक्राफ्ट में करने वाले हैं एक थोड़ी सी एक रोल प्ले, जहाँ पर आपको पता होगा कि रोल प्ले क्या करता है हिंदुस्तान गेमर लॉगी और चपाती हिंदुस्तानी गेमर, वो जो करते हैं वो वैसा ही हम कंटेंट लाएंगे, कुछ अलग लाएंगे पर उस तरीके का ही होगा। और तो आपको वीडियो आप आगे देखिए और आपको पता ही चल जाएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार अभी जो है मुझे सबसे पहले ऊपर वाला जो बालकनी का जो डोर है वो मुझे लगाना है यहाँ पर। तो मेरे पास थोड़ी सी जो है वुड पड़ी है, तो वो सबसे पहले मैं वो लेके आता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी चेस्ट पड़ी हुई है, चलो इसमें से हमें थोड़ी सी वुड मिल गई, हम बनाते हैं अभी यहाँ से डोर। और ये जो है एकदम से बन गया है। और अभी हम चलते हैं ऊपर और ये जो डोर है यहाँ पर लगा देते हैं। तो अभी जो है वो मुझे इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है। वाह, ये बन गया एकदम मस्त तरीके से। और अभी अभी मुझे याद आया कि मुझे अपना अपने दोस्त के पास जाना है, जो कि वो पास वाले गांव में आया हुआ है, मतलब आया नहीं, वहाँ पर रहता ही है वो। तो उसने कहा कि मुझसे आके मिलना, मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी। तो क्या हो सकती वो ज़रूरी बात, अभी देखते हैं। मुझे तो मतलब वो थोड़ा सा घबराया अभी लग रहा था, पर बंदा बहुत अमीर है और चंदू नाम है उसका, पर अमीर बंदा है, बहुत सारे डायमंड्स रहते हैं उसके पास। वो देखते हैं, वो शायद हमें कोई काम भी दे सकते हैं। हमारे पास जो है वो डायमंड्स बिल्कुल नहीं है, नेदराइट ज़रूर है पर डायमंड्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, मैंने सारे यूज़ कर लिए और अभी माइन भी नहीं करता, वो बोरिंग सा लगता है। इसलिए वो देखो गाँव दिख रहा होगा आपको शायद, वो जो है वहाँ पर ये जो है मेरी बिल्डिंग है जो मैं कंप्लीट नहीं की है, मैंने इसको भी कर लेंगे अभी, करके इसे तोड़ देंगे हम। वहाँ पर जो है वो कुछ बढ़िया सी चीज़ बनाएंगे ऐसी कुछ। और ये आ गया उसका गांव, गांव तो बहुत बढ़िया। हमारे पास भी एक डेजर्ट का वो विलेज है पर वो अबेंडेड है, और वो अबेंडेड क्यों है वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता। तो सबसे पहले जो है वो मुझे उसे ढूंढना होगा, और वो मेरे ख्याल से उसने कहा था कि मैं फार्मर हूँ। यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे फार्मर है, और उसने कहा था कि मैं जो हूँ, ओ ये रहा ये रहा, ये हमसे बात भी कर रहा है। तो अरे रुक भाई, रुक 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 रुक, तो ठीक है हम पूछते कि इसका क्या काम है। गाइस मेरी जो है वो उस चंदू से जो है वो बात हो चुकी, तो और वो कह रहा है कि ये जो गांव वाले ये इसे निकाल रहे हैं, और क्योंकि इसका वो जो स्वभाव जो है वो बहुत ही घटिया पर हमारे साथ बहुत अच्छा रहता है। तो या जो ये गांव वाले तो इसे निकाल रहे हैं, तो ये कह रहा है कि मुझे घर चाहिए और मुझे तुम एक अच्छा सा घर जो है वो बना के दो अपने घर के पास ही। तो हमें अभी इसे घर बना के देना, और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा आपसे, और ये हमें बहुत तगड़ी चीज़ें देगा कि बुक बहुत ही बढ़िया एन्चांटिंग बुक देगा। और मैंने इससे कहा कि भैया तू तो भैया फार्मर है, तो ये कहा मैं जॉब बदलने वाला हूँ, तो या तो हमें इसके लिए घर में फिर लैक्टन भी रखनी होगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, घर जो है इसका हम देखते यहाँ पर बना देते, यहाँ पर कैसा रहेगा, बिल्कुल हमारे घर की तरफ मुँह करके, तो यहाँ पर बना देते। जगह भी जो है वो फ्लैट है, तो मैं एक काम करता हूँ इसके लिए मस्त सब वुड का घर बनाते, या फिर हम देखते हैं चलो किस चीज़ का बनाते हैं। हमारे पास जो भी जो सामान है वो अवेलेबल होगा, एक काम करते हैं ना इसके लिए कंक्रीट का ही घर बना देते हैं हम। मुझे सबसे पहले जो है अपना ये जो कचरा है ये यहाँ पर रख देता हूँ, जो भी फालतू का सामान है वो यहाँ पर चला जाएगा। और वुड की ज़रूरत है मुझे अभी, ये पत्ते बहुत कचरा भरा रहता है यार मेरी इन्वेंट्री में भी। ये यहाँ पर रख दिया मैंने, ये लीड भी किसी काम की नहीं है।
और ये डोर हमें लगेंगे डोर। तो या अभी हमें जो है यहाँ से जो है अपना मटेरियल जो है वो उठा लेना है। हमें ये भी चाहिए, हमें थोड़ी सी चाहिए ग्रेवल भी, और मेरे ख्याल से बोन। अभी तो मेरे ख्याल से रात हो रही है, काम करते हैं सुबह, हम काम करते हैं, अभी जो है हम सो जाते हैं। तो या गुड मॉर्निंग, हम वापस से एक बार आ गए हैं। तो मैंने बहुत सारा देखिए सामान उठा लिया है यहाँ से, और अब हम एक काम करते हैं, हम ना सबसे पहले एक तगड़ा सा इसके लिए हाउस बना देते। कहाँ पर मैंने जगह डिसाइड की थी, शायद वहाँ पर जगह जो है वो डिसाइड की थी। एक मस्त सा इसके लिए घर बना देता हूँ, और जो एकदम बढ़िया सा घर होगा ये इसके लिए, छोटा सा बना देते हैं सब मिनी हाउस। हमारे पास भी अभी जो है वो कॉन्क्रीट जो है वो उतना नहीं है, यहाँ तक ठीक है। एक बंदे के लिए कितना चाहिए घर, और ये भी एक विलेजर ही है तो इसके लिए ज़्यादा किसी बड़े घर की ज़रूरत नहीं है। हम जो है काम करते हैं, इसको 1, 2, 3 रखते हैं, इसको जो बढ़ा देते। काम करता हूँ, मेरे पास पाउडर जो है वो पाउडर भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। हम छत के लिए जो है वो कॉन्क्रीट बचाएंगे, और ये जो है यहाँ पर एकदम छोटा सा मिनी हाउस बना देंगे इसके लिए। इसको ज़रूरत भी नहीं होगी उतनी, और हमारा भी काम हो जाएगा। हमारा पुराना दोस्त है, अब मुझे जो है वो क्राफ्टिंग टेबल में अभी यहाँ पर रखना होगा, मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनाने दो। ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, ये आया यहाँ पर, ये रखा यहाँ पर, और यहाँ से हम ले लेते हैं ढेर सारा कॉन्क्रीट पाउडर। और इस पर जो है पानी वो हम बाद में डाल देंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और जो है ऐसा मतलब झोपड़ी जैसा नहीं बनाना है हमें, कुछ अच्छी लुक देनी है इसके घर को। एक काम करते हैं, डोर के लिए रखते हैं वो जो जगह, और हमारे पास जो कॉन्क्रीट है उसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। या तो एकदम बढ़िया यहाँ पर हो गया है काम। अब जो है हमें इसके ऊपर जो है वो वाटर डाल देना है, तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, यहाँ पर जो है वाटर डाल देता हूँ। ये बिल्कुल बढ़िया मस्त घर हो जाएगा बंदे का। और ये कह रहा है कि मैं इसके लिए तुम्हें कुछ डायमंड्स भी दे दूँगा, तो चलो हम डायमंड के लिए लेते, कि हमारे पास उतने भी अच्छे मतलब वो डायमंड है नहीं। हमने मतलब बहुत आगे जा चुके गेम में, पर या डायमंड की मंदी है हमारे पास। तो ये जो है इतना घर कंप्लीट हो चुका है, हम एक काम करते यहाँ पर जो है ये ग्रास हटा के यहाँ पर जो है वो वुड लगा देंगे। Efficiency 5 की शवल ओपी, क्या बढ़िया शवल है ये, बिल्कुल मतलब आराम से काम हो गया है इस जगह का। इसे भी हटा देते, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारे पास, अभी जो ये वुड है इसे यहाँ पर लगा देते हम। ये रहा 1, 2, एकदम मस्त वाला घर हम अपने दोस्त के लिए बना देंगे, और वो भी हमारे साथ भी रहेगा, हमारे भी थोड़ी सी मदद कर देगा। तो ये रखा यहाँ पर, यहाँ पर, और मैंने उसे कहा कि मेरे पास ऑलरेडी घर है तुम्हारे लिए, पर वो कह रहा है नहीं मुझे नया चाहिए। और हम भी क्यों मना करें, क्योंकि हम जब नए थे तो उसने हमारी बहुत मदद की, तो हम मना कर भी नहीं सकते। और वैसे भी नया घर ही हमें देना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसने भी हमारी बहुत मदद करी थी शुरू में ही, इसलिए हम ये जो है वो फ्लोर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर अब लग जाएंगे डोर्स। एकदम बढ़िया, ये देखो ये काम हो गया है, डोर्स लग चुके। एक काम करते हैं ना, इसके लिए जो है यहाँ पर विंडो लगा दूंगा मैं, बाद में ग्लास लगा के हमें जो है वो छत जो है अभी लगानी होगी। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर यहाँ पर देखिए पानी डालते हैं, ये आए ऊपर, इसको
इसके लिए ना हम मस्त ऐसी बालकनी भी बना देंगे ऊपर से। और मेरे पास ये रहा कॉन्क्रीट, तो मैं यहाँ पर इसे लगा देता हूँ। अभी तो फिलहाल तो ये जो है ये डब्बे जैसा लगेगा, पर कोई बात नहीं, हम इसे बाद में एक बढ़िया सा घर बनाने को दे देंगे। क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे पास अभी घर नहीं, मुझे छोटा सा घर बना के दो, बाद में बड़ा वो ये बनवा लेगा। तो हमें वो कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो एक काम करते हम इसे पूरा बना लेते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। तो गाइस ये रहा हमारे दोस्त चंदू का घर। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको छोटा, पर हम इसे बढ़िया बना देंगे बाद में। हमारे पास रिसोर्सेस है, पर अभी मुझे पता नहीं कि वो हमें कुछ देगा या नहीं। तो या हम अब फिलहाल तो हम यही रहने देंगे घर, देखते उसे भी पसंद आता है या नहीं। और सबसे पहले एक काम करते उसे लेकर आते हैं। तो दोस्तों हमारा जो दोस्त है वो आ गया है। तो और ये कह रहा है कि मैं तुम्हें इस घर के लिए सिर्फ 10 डायमंड दूंगा। तो या ये घर उस तरीके का है तो ये हमें 10 डायमंड ही देगा। ये एंडरमैन यहाँ क्या कर रहा है? और तो ये काफ़ी खुश हो गया कि हमने इसके लिए घर बना के दिया। और तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तो बाय बाय।